আজি शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चमूको एसियर गुरुत्वपूर्ण भार्चुअल सम्मिलन अनुष्ठित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित है एक गुरुत्वपूर्ण सम्मिलन। सम्मिलन अंशग्रहण करे पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़र चीन और राशियार राष्ट्रपतिद्वय कमत जी जिनपिंग और पुतिने सम्मिलनर नाम उल्लेख नकराक पाकिस्तानक आक्रमण करे भारतर प्रधानमंत्रीगराकिये सन्तासवादक कोनो देशे राष्ट्रीय नीति हिसापे ग्रहण कराटो केतियाओ ग्रहण करा नोवारी। पाकिस्तानक एदरे लक्ष्य करि मोदीये कले किछु गुरुत्वपूर्ण मन्तव्य। सन्तासवादक सकलोके भयावह विपद बुली उल्लेख करिले प्रधानमंत्री मोदीये। सन्तासवादी संगठनসমূहक धन जोगान धरा कार्य शीघ्रे बन्ध करिब लागे बुली मोदीये स्पष्टকৈ व्यक्त करिले। यार जरिए पाकिस्तानक आक्रमण करिले नरेन्द्र मोदीये। पाकिस्तान सरकारे भारत प्रीति सन्तासवादी संगठनসমূहक नियमितभावे आर्थिक सहाय्य प्रदान करि आइছে। लस्कर इ तया जैश इ मोहम्मदरे सन्तासवादी संगठनक नियमितभावे पुंजी जोगान धरि आइছে पाकिस्तान सरकारे। एने प्रसंगते पाकिस्तानक लक्ष्य हिसापे लय नरेन्द्र मोदीये। किछुमान देशे सन्तासवादी संगठनक आश्रय दि आइছে বুলি मन्तव्य करिले भारतर प्रधानमंत्रीगराकिये। यार जरिए पाकिस्तान भारत प्रीति सन्तासवादी संगठनर शिविर थका प्रसंगतो उल्लेख करिले नरेन्द्र मोदीये। एदरे प्रधानमंत्री मोदीये एसिय मञ्चखनक सन्तासवाद सन्दर्भत भारतर स्थिति स्पष्ट কৰিবলৈ बारम्बार प्रयास करिले। एसियर मञ्चत पाकिस्तान हलटिकत पेलाবলৈ सक्षम हल प्रधानमंत्री मोदी। मोदीर बक्तव्य नीरवे शुनि থাকিবলৈ বাধ্য হল পাকিস্তানৰ प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़। सम्मिलनत अंशग्रहण कर राशियार राष्ट्रपति पुतिने सन्तासवाद और कट्टरवादक लेकाम लगुवाई एसियर प्रधान लक्ष्य बुलिও मन्तव्य प्रकाश करिले। एने मन्तव्यरे सन्तासवाद सन्दर्भत भारतर स्थितिक समर्थन करिले राशियार राष्ट्रपति पुतिने। यूक्रेन युद्धर प्रसंग उल्लेख करिले रूसर राष्ट्रपतिगराकिये। सम्प्रति राशियार विरुद्धे पश्चिमा देशसमूहे आर्थिक निषेधाज्ञा आरोप करिছে। एने निषेधाज्ञासमूहे राशियाक पूर्वतকৈ অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে পুতিনে। গুৰুত্বপূৰ্ণ যে নিজ দেশৰ ৱেগনাৰ বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুতিনে। আনহাতে এছিয় সম্মিলনখনত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙে। আঞ্চলিক শান্তি অটুট ৰাখিবলৈ এছিয় মঞ্চখনক ব্যৱহাৰ কৰা উচিত বুলি মন্তব্য কৰিলে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙে। মিত্ৰৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰিলে জিনপিঙে। আজি সম্মিলনতে ইরানে এছিয় সদস্যপদ লাভৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। চলিত বছৰত এছিয় সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই। সেই সূত্ৰটি এছিয়ৰ আজি সম্মিলনত সভাপতিত্ব কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 8খন স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে 6 অস্থায়ী আৰু 4 নিৰীক্ষক ৰাষ্ট্ৰ সংগঠন এছিয়। সংস্থাটো স্থাপন হৈছিল 2001 চনত। 2017 চনত এছিয়ৰ সদস্য হৈছিল ভাৰতবৰ্ষ। और एबार भारतर अध्यक्षताते अनुष्ठित হৈছে এছিয়ৰ ভার্চুৱেল बैठक। जी बैठकत अंशग्रहण कर भारतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीये पाकिस्तान और चीनक कठोर भाषारे सन्तासवादर पृष्ठपोषकता কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে। আহক চাওঁ प्रधानमंत्री সেই ক্ষুধাৰ বক্তব্যৰ সম্পাদিত কিছু অংশ। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हेया भारतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ক্ষুধাৰ বক্তব্য আজি এছিয় বৈঠকৰ অধ্যক্ষ কৰাৰ পাছতেই উল্লেখযোগ্য যে সন্তাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষক হিচাপে নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ পাকিস্তান আৰু চীনক আজি ক্ষুধাৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।